गुरु प्यारे गलबात अपने अज करनी है जदों महाराजा दलीप सिंह इंडिया वापस आउण दी गल करदा ते इत्थे अंग्रेजां दा एक ऐसा पालतू प्रोफेसर गुरमुख सिंह यह भंडी प्रचार करदा महाराजा दलीप सिंह दे बारे ते महाराजा दलीप सिंह किवें फिर भारत आउंदा किद्दां उह अमृत छकदा संधा वाली दा सरदार उहनूं किवें दुबारे सिख बणाउंदा तो प्रोफेसर गुरमुख सिंह दीआं करतूतां जिहड़ियां उह आपां ने तुहानूं इस वीडियो भी दसणियां ए टू जैड तां वीडियो गौर नाल सुननी सारी क्योंकि यह उही प्रोफेसर गुरमुख सिंह है जिहदे नक्शे कदमां उत्ते अज ढड्डरियां वाला नेकी इंदर सिंह घग्गा जिन्ने मिशनरी अपग्रेड चलदे हैं ये वह प्रोफेसर गुरमुख सिंह है अंग्रेजों का पालतू सी ये नवीं जानकारी तुहानूं अज मिलेगी इस वीडियो सो गौर नाल सुनना कली कली गल नूं ते अगे जरूर शेयर करना। तो महाराजा दलीप सिंह ने अपील की हिंदुस्तान के राष्ट्र पद्धर से कि मैं इंडिया आ रहा ठीक है जी तो अमर छकना मैं तो यह अपील हिंदुस्तान के हरेक भाषा के स्थानक अखबारों से छपी सी पंजाब छपण वाले अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून भी ये अपील छपी इन्हें सारे हिंदुस्तान से पूरी तरह तरथल मचाता पर लाहौर दीवान वालों निकलते पंजाबी दे खालसा अखबार ने इनू नहीं छापिया सगों प्रोफेसर गुरमुख सिंह ने ये उल्ट एक ऐसी चिट्ठी छापी सी जिहड़ी गुजरांवाले दे लोकां वालों लिखी दसी गई सी अते प्रोफेसर गुरमुख सिंह खुद भी गुजरांवाले दा जंपल सी उह चिट्ठी दे विच की लिखदा जरूर सुणियो उह कहिंदा कि असी सारा खालसा पंथ अते गुजरांवाले दे निवासी जिन्हां नाल तूं अपनी जन्म भूमि दा संबंध समझदा है तेरी उस चिट्ठी दा जवाब दिंदे आ तां रणजीत सिंह दे सारे अहुदे डोगरियां हिंदुआं अते मुसलमानां नूं दे रखे सन रणजीत सिंह ने अते सिंघां नूं बहुत दुख दित्ते सन ये जिहड़ा तू सरकार अंग्रेजी तो बागी होया ये तैं अकल की गल नहीं की साढ़े बिच जिहड़ा भी बंदा थोड़ी जी अकल भी रखता है वह भी तेरी सहायता का नाम नहीं लूगा तू साथों भी कोई उम्मीद ना रखी असी तो तैनू सच्चे दिल नाल तेरे दर्दी होकर आखते हाँ कि तू अजिहे बुरे ख्याल छड के साडा आखा मन के लंडन नू वापस मुड़ जा ते मलका माता कोलों मुआफ़ी मंग लै मलका माता का दिल बहुत बड़ा है ते ओ तैनू बख्श देवेगी जे तू साड़ी ए मत मन लेगा तो बहुत सुख पाएगा ते असी भी खुशी मनावांगे जे तू साड़ी ए मत नहीं मनेगा तो तू जानी पर साडा साडे वल तू कदे अजिही चिट्ठी ना लिखी ते ना भेजी असी हाँ सारे गुजरांवाले दे निवासी सो ए करतूत की पहली उन्हें भंडी प्रचार लग गया सी करन मतलब कि महाराजा दलीप सिंह दे खिलाफ। हुण जगजीत सिंह सी जिहड़ा उह लिखदा कि इदां लिख के सिंह सभा लाहौर अते खालसा दीवान लाहौर वालियां ने जिन्हां दा बुलारा प्रोफेसर गुरमुख सिंह सी रहिंदी दुनिया तक अपने मत्थे ते कलंक दा काला दाग लवा लिया सी इह काला दाग इन्हां दे मत्थे ते रहिंदी दुनिया तक लग्गिया रहूगा और इह सच भी है ते अज भी इह पौंदियां करतूतां तुहानूं दस रहे हां। हाँ जी सो जगजीत सिंह दा लिखणा है कि इह लोक इन्ने अंग्रेज भगत बन गए सन कि इन्हां ने यह नहीं सोचिया कि महाराजा दलीप सिंह नूं अंग्रेज़ हकूमत ने बाल अवस्था विच ही कह लिए पुचला के ईसाई बना लिया सी एक बच्चे नूं किसी भी गल का पता नहीं हुंदा असल दे विच यह अंग्रेज़ हकूमत की ऐसी बेईमानी सी जिहड़ी रहिंदी दुनिया तक इतिहास च दर्ज रहूगी। हुण जेकर महाराजा दलीप सिंह सियाणा हो के सब कुछ समझण दे समर्थ हो गया सी अते ओ ईसाई मत नूं त्याग के फिर तो गुरु गोबिंद सिंह जी दे अमर दी दात प्राप्त करना चाहुंदा सी तां इहदा सारियां सिंघ सभावां अते खालसा दीवानां नूं भरमां स्वागत करना चाहीदा सी क्योंकि खालसा पंथ लई इह तों वड्डी प्राप्ति होर कोई नहीं सी एड्डी वड्डी प्राप्ति सी कि इंग्लैंड दे रहण दे बावजूद भी अते अंग्रेजी साम्राज दी धौंस हेठ रहि के भी महाराजा दलीप सिंह ईसाई मत नूं त्याग के मुड़ खालसा बन रिहा है पर प्रोफेसर गुरमुख सिंह की आत्मा मर चुकी सी वह बुरी तरह अपना दिमागी संतुलन भी गवा चुका सी। हुण आपां अगे तुहानूं दस्सदे हां कि सरदार ठाकर सिंह संधावालिया अदन विच अंग्रेजां की कैद विच बैठे महाराजे नूं किवें अमृत छकवा के अपनी जित प्राप्त करदा सो जदों सरदार संधावालिया महाराजे कोल इंग्लैंड गया होया सी तां महाराजा साहिब ने उहनूं इह कह के पहलां भारत नूं वापस भेजता सी कि जदों भी वह भारत को आने समय बंबई पहुँचे तो सरदार संधावालिया पूरी संगत नाल उत्थे पहुँच जावे अते उन्हानू अमृत छकाउण की रसम अदा करवावे पर महाराजा साहिब नू भारत आउंदिया ही
अदन विखे ही रोक लिया सी अते गिरफ्तार कर लिया सी। उत्थे महाराजा दलीप सिंह अड़ गए सन अंग्रेजा मूहरे कि उन्होंने ईसाई मत नूं त्यागता हुण अते अपने पुरखियां दा धर्म धारण कर लिया है, इसलिए उन्होंने अमृत छकना है, इसलिए उन्होंने अमृत हर हाल च छकना है, अमृत भी सरदार ठाकर सिंह संधावालीए की मौजूदगी छकना क्योंकि उसनू होर किसी भी व्यक्ति उपर भरोसा नहीं है। असल दे विच महाराजा साहब नू इस समय तक पूरी अंग्रेज जाति नाल ही नफरत हो गई सी। वह समझते सन कि जिहड़ी अंग्रेज कौम उनू बाल अवस्था विच भी वरगला के सिख धर्म तो पतित करवा सकती है, वह कौम उनू अमृत छकाउण समय भी मूर्ख बना सकती है। इस गल नू महाराजा साहब एक सरदार संत सिंह नाल भी चिट्ठी पत्र करन समय दस चुके सन। सो सरदार संत सिंह नू भी महाराजा साहब इहो कहिंदे सन कि उन्हां नू अमृत छकाउण समय सरदार संधावालीए दे नाल ओह भी हर हालत विच मौजूद रहण। तां महाराजा दलीप सिंह नू पता नहीं सी कि अमृत की रसम किवें किवें पूरी हुंदी है, इसलिए अमृत छकाउण की रसम नू ओह अंग्रेजां उपर छड्डण लई तैयार नहीं सी। सो अदन बेशक अंग्रेजां दी ही बस्ती सी पर ओह भारत वांग गुलाम नहीं सी, उत्थे प्रेस की भी आजादी सी अते जलसे जलूस करन दी भी आजादी सी, भारत विच ही इह कुछ नहीं सी हुंदा। इसलिए महाराजा साहब ने अपने जहाज दे विच इह उत्थे मौजूद अंतरराष्ट्रीय अखबारां दे नुमाइंदियां नूं बुला के उत्थे बयान दर्ज करवाए अपने। हुण ब्रिटिश हकूमत लई इह विपता दी गल बन गई सी कि उह महाराजे नूं अमृत छकाउण दी इजाजत देवण देण जां ना देण। भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय ने अनेक पत्र ते तारां ऐसियां कह लिए भी करियां जिन्हां राहीं उन्हें वक् वक् अधिकारियों तो यह पुछया सी कि जेकर महाराजे नूं अमृत छकाउण ते पाबंदी ला दित्ती जांदी है तां आम पब्लिक ते इहदा की असर पऊगा। अखीर ते फैसला यह होया सी कि महाराजे नूं अमृत छकण ते पाबंदी लाउण नाल एक खाम खा दा नवां इशू बन जाणा अते महाराजा हिंदुस्तानी लोकां दा खाम खा हीरो बन जूगा, इसलिए उन्हों अमृत छक लैण दिता जाए। हुण महाराजा दलीप सिंह की दूजी शर्त यह सी कि उन्हें अमृत छकना ही सरदार ठाकर सिंह संधावालीए की मौजूदगी है, इसलिए भारत की ब्रिटिश हकूमत लई यह दूजी विपता बन गई सी कि वह संधावालीए सरदार नूं अदन पहुँचने की इजाजत देवे कि ना देवे। यह सोच विचारां सरकारी सर्कलां विच अजे चल ही रही सन कि सरदार ठाकर सिंह संधावालीए ने अमृत छकाउण वाले सिंघां नूं पहलां ही अदन भेज दिता सी अते आप भेस बदला के अदन पहुँच गया। ये भेस बदलन की लोड़ तां पई सी क्योंकि महाराजा साहब कोलों इंग्लैंड तो वापस आउण तो बाद ब्रिटिश हकूमत ने सरदार संधावालीए दीआं सरगर्मियां ते सख्त निगाहां रखणियां शुरू कर दीआं सन। जदों महाराजा साहब नूं अदन विखे रोकिया गया सी महाराजा साहब उसे समय भांप गए सन कि उन्हां नूं इह तों अगे जाण नहीं देना अंग्रेजां ने। वैसे तो उन्होंने इस गल की भी उम्मीद नहीं सी कि उन्होंने इंग्लैंड तो रवाना भी होने दिता जाएगा, मतलब कि उन्होंने इंग्लैंड तो ही आन दिता जाऊगा या नहीं। इसलिए अदन विखे महाराजा साहब ने तुरंत सरदार संधावालीए होर सके संबंधियों चिट्ठी पत्र भेज दते सन कि उन्होंने अदन विखे ही रोकया जा रहा है। इसलिए सरदार संधावालीए ने पंज सिंघां नूं दरबार साहब दे ग्रंथियों का एक पूरा जथा समगरी समेत चुपचाप अदन नूं भेज दिता सी ते आप भेस बदला के अदन पहुँच गया सी संधावालीआ। इत्थे एक गल बड़ी दिलचस्प है कि सरदार संधावालीए बारे भारत विचले सरकारी सूए जो रिपोर्टा सरकार नूं भेजदे सन तां बंबई वल्लों भेजी गई रिपोर्ट विच इह लिखिया हुंदा सी कि संधावालीआ सरदार बंबई विच है। जिहड़ी रिपोर्ट दिल्ली वल्लों भेजी हुई मिलदी सी उहदे विच लिखिया हुंदा सी कि संधावालीआ सरदार दिल्ली च है। फिर अदन तो जिहड़ी रिपोर्ट भारत में वायसराय नूं मिलदी सी उहदे विच लिखिया हुंदा सी कि तुसीं कहिंदे हो संधावालीआ सरदार भारत विच ही है, जे उह भारत विच ही है फिर इह संधावालीआ कौण है जिहड़ा अदन दे विच महाराजे दे कोल पहुंचिया होया। सो इह गल आदान प्रदान होण वाले सरकारी चिट्ठी पत्रां विच दर्ज है। आखिर सरकार ने यह फैसला किया कि अमृत छकाए जाण दी रसम तां हो लैण दित्ती जावे अते सरदार संधावालीए नूं भी उत्थे हाजिर हो लैण दिता जावे, पर उत्थे एक ऐसा सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे जिहड़ा अमृत छकण दी सारी रसम नूं देखे अते इस रसम दौरान जिहड़ी भी गल महाराजा दलीप सिंह अते संधावालीए सरदार दे विचकार होवे उहनूं उह नोट करे। इह भी हदायत सी कि उत्थे ही ब्रिटिश अधिकारी
मौजूद होवे जिहड़ा पंजाबी अते हिंदी भी समझदा होवे। अखीर 25 मई 1886 नूं महाराजा दलीप सिंह ते उहदे परिवारक मैंबरां नूं पूरी गुरमर्यादा दे अनुसार अमृत छकाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश किया गया सी ते श्री दरबार साहिब दे ग्रंथियां दी अगवाई विच पंजां प्यारे ने अमृत तैयार किया। पंजां प्यारे दे नां सन जिहड़े ओह इह ने ज्ञानी भगत सिंह ग्रंथी श्री दरबार साहिब, ज्ञानी नारंग सिंह ग्रंथी श्री दरबार साहिब, ज्ञानी हीरा सिंह ग्रंथी श्री दरबार साहिब, भाई रूर सिंह पिंड कोहाली थाना लोपोके अमृतसर, भाई जवंद सिंह बरकी लाहौर, ज्ञानी प्रताप सिंह श्री दरबार साहिब के मुख ग्रंथी सन। इन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठने की ड्यूटी निभाई सी अते अरदास कीती सी। सरदार ठाकर सिंह संधावालिया सारी रसम दौरान उत्थे मौजूद रहे सन। ये खबरां अगले दिन के अखबारों में पूरी तरह नशर हो गई सन कि एक साबका सिख महाराजे अते उहदे परिवार ने ईसाई मत नूं त्याग के अमृत छक लिया है अते उह सिख बन गया है। इन्हां खबरां दे नाल भारत का गवर्नर जनरल पूरी तरह तिलमिला उठिया सी। महाराजा दलीप सिंह दे सिख बनन दे नाल पूरे ईसाई मत अते विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की एक हार सी असल दे विच। सो ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 14-15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ विशाल ईसाई अते ब्रिटिश साम्राज्य की जित प्राप्त की सी। फिर लगातार वह पंजाब तो दूर अते सिखी तो दूर इंग्लैंड च उन्हूं रखिया गया सी। इस समय दौरान भी उन्हूं सिर्फ ईसाई मत बारी दस्या जांदा सी। फिर 1861 विच उहदी माँ महाराणी जिंद कौर नाल उहदा मिलाप होया। मिलाप दौरान जदों माँ ने अपने पुत्र दे सिर नूं पड़ोसिया तां उहनूं ना पग दिसी ते ना ही केस। उस समय माँ ने एक गल कही सी कि अंग्रेज़ जात ने अपनी राजनीतिक ताकत राही तेरी सिखी खत्म की है। हुण तैं दसना है कि सिखी की आत्मक ताकत किन्नी शक्तिशाली है। सिखी की आत्म शक्ति दुनिया की कोई ताकत नहीं कुतल सकती। जे तू शेरे पंजाब का पुत है वह कहती तो ईसाई मत नूं त्याग दे ते अज तो ही सिखी नूं धारण कर लै। महाराजा दलीप सिंह ने असल में अपनी माँ नाल पहली मुलाकात समय ईसाई मत नूं त्याग दिता सी अते सिखी नूं धारण कर लिया सी। उन्हें उस मुलाकात तो बाद अपने केस नहीं कटवाए सन। 25 मई 1886 नूं तां फिर उन्हें अमृत छक के अपने सिख धर्म ते पक्की मोहर ला दिती सी। इदां एक अभोल बच्चा ज्यों ही सियाणा होया तां उहदी ईसाई मत दे खोखलेपण अते दोगलेपण दा पता लग गया सी उहनूं। 1853 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-3 ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।